खबरों में आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन सख्त है। जबलपुर में नियम विरुद्ध कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन हो रहा है। विजयनगर में दो कोचिंग सेंटर को सील किया गया है, बेसमेंट में बनी दुकानों को भी किया गया सील। नगर निगम ने कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है। जबलपुर में नियम विरुद्ध कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन जो है वो देखने को मिला है। बेसमेंट में बनी दुकानों को भी यहां पर सील कर दिया गया है। नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद प्रशासन सख्त है। यहां पर दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद देखिए जगह जगह पर छापेमारी हो रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहां कहां बेसमेंट में कोचिंग तो नहीं चल रही या गलत तरीके से कोचिंग तो नहीं चल रहे हैं, और इसी को लेकर फिलहाल जो एक्शन है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तमाम जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहां भी हम देख रहे हैं कि कार्रवाई का सिलसिला देखने को मिल रहा है। अमित सोनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित, कुछ कार्रवाई भी देखने को मिली है, कुछ गड़बड़ियां मिली क्या आज? देखिए लगातार जबलपुर अब जो है जबलपुर का नगर निगम प्रशासन एक्टिव हो गया है और आज लगभग 10 से 12 जगह कार्रवाइयां की हैं। जबलपुर में कोचिंग वगैरह तो बेसमेंट में कहीं संचालित नहीं होती, लेकिन कई दुकानें ऐसी हैं जैसे आदि प्लाजा, बिमल सिंह हाइट, ऐसी कुछ अपार्टमेंट हैं जहां पे आज पुलिस ने कार्रवाई की है। और ऐसे ही आदि प्लाजा में नीचे कुछ दुकानें बनी है जिनको आज सील किया गया है। और आकाश कोचिंग एक संचालित की जाती थी लेकिन आज कोचिंग बंद थी। उसके बाद उनके तमाम दस्तावेज पुलिस ने निगम प्रशासन ने चेक किए हैं, उनकी पूरी जानकारी मांगी है, क्योंकि वहां पे कोचिंग तो नहीं लगती लेकिन बेसमेंट में पार्किंग जरूर है। तो ऐसे तमाम कई जगह आज नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। और इसके अलावा अगर एक्शन की बात करें तो क्या सीलिंग की कार्रवाई हुई है या कुछ और कार्रवाई भी देखने को मिली है यहाँ पर? हाँ, आकाश इंस्टीट्यूट को जो है वो तो सील किया गया है। नीचे की चार दुकानों को सील किया गया है जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उनके डॉक्यूमेंट्स को नगर निगम कमिश्नर ने खुद अपने पास बुलवाया है और लगातार ये जांच जारी रहेगी जबलपुर में। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो ये जांच जारी रहेगी ये कहा गया है, और जबलपुर में नियम विरुद्ध कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन जो है वो देखने को मिला है। बेसमेंट में बनी दुकानों पर जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है।